तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं बोले किंग। आज हम बात करने वाले हैं तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया, सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे। दोस्तों मैं थोड़ा घर से दूर हूँ, इसलिए मैं आपको बैकग्राउंड आपको दूसरा दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया, सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा तकड़ा है। इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे, इसकी ओवरसीज कलेक्शन की बात करेंगे, इंडिया में कितना कलेक्शन करा, बाकी तमिल तेलुगु में कितना कितना कलेक्शन आया, दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब। दोस्तों आप सबको तो पता है कि तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया। दोस्तों भाई दिन पर दिन एक धमाका करती जा रही है, मतलब शाहिद कपूर के लिए दूसरे दिन की जो कमाई है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कमाई है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसकी स्टार कास्ट की बात करें, भाई शाहिद कपूर और कृति सैनन ने दोस्तों भाई पूरा बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दिन है शनिवार का, धमाका है बहुत बड़ा। दोस्तों इसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं भाई साहब यहाँ पर, जो कि 11.40% है। इवनिंग आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 24.46% है। और शाम की ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई दोस्तों 28.19% है। और नाइट ऑक्यूपेंसी की बात करें मैं 18.46% है। इसी के हिसाब से दोस्तों इसने दूसरे दिन जो एडवांस बुकिंग करी थी भाई साहब 2 करोड़ 15 लाख के आसपास इतना एडवांस बुकिंग करी थी। और दोस्तों जो कलेक्शन निकल के सामने आ रहा भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कलेक्शन निकल के सामने आ रहा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमा चुकी है तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया डे टू के अंदर। बाकी इसका डे वन का जो कलेक्शन था दोस्तों वो था 6 करोड़ 7 लाख रुपए। इसका हिंदी नेट कलेक्शन हो चुका दोस्तों 15 करोड़ 95 लाख रुपए। ये फिल्म सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज करी गई है और हिंदी का ही दोस्तों कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 15 करोड़ 95 लाख रुपए। इंडियन ग्रोसर की बात करें दोस्तों ये तकरीबन 17 करोड़ के आसपास कमा चुकी है। ओवरसीज के अंदर 5 करोड़ 5 लाख रुपए कमा चुकी है भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है इसका 18 करोड़ के आसपास कलेक्शन हो चुका है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। फिलहाल दोस्तों अगर आपने तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया मूवी देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों भाई रोमांटिक का ज़माना नहीं है, कई सारे लोग मेरी वीडियो में आते हैं और कहते हैं कि भाई ये अब एक्शन का ज़माना, रोमांटिक चलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों कई सारे लोग बाहर निकल रहे कह रहे कि भाई मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों, कहना ना कहने की बात ये। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आज का कलेक्शन दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।